गैप में और बाउंड्री लाइन पे मौजूद जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। और इसी तरह एक रन, पहला रन खाता खोल चुके बल्लेबाज इंडिया की जानिब से। नाइस बॉलिंग, एक ही रन मिला है इंडिया को इस ओवर में। लेट्स सी अगले ओवर में क्या होता है, देखना ही है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं पीसी पे गेम खेलने वालों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। ऑन साइड पे खेले हैं, यहाँ पे आप जब बॉलिंग कराने आते हैं तो डीबीसी 14 में बॉलिंग के इश्यूज़ कुछ लोगों को होते हैं गेम प्ले के दौरान, और कुछ लोगों को बैटिंग करने में टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। सो आई विल डिफाइन दैट। एक बेहतरीन शॉट, चार रन के लिए खेला है। क्या टाइमिंग थी, खूबसूरत शॉट था। वहाब रियाज की दूसरी ही गेंद पे बाउंड्री लग चुकी है, बल्लेबाज अपनी लॉयन को गर्ल्ड कर चुके, कमर कस चुके हैं और बेहतरीन अच्छा थ्रो था। गंभीर सामना कर रहे बल्लेबाज, खेल दिया है पीछे कीपर के ऊपर से, छह रन्स। सो वियर्ड शॉट, काफ़ी अजीब किस्म की शॉट है। अगली गेंद कराएंगे वहाब रियाज इस ओवर में, 12 रन्स खाने के बाद अकल ठिकाने नहीं आई, अभी आ चुकी है। 147 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद कराते हुए उमर गुल काफ़ी पछतान रहे होंगे, 12 रन दे चुके हैं और ये यहाँ पे रन आउट होने का चांस था। पिछले ओवर की जो कमी बेशी थी, डेफिशिएंसी थी, वो पूरी कर ली गई है। मोहम्मद हफीज़ आई थिंक, चले इसको कराने देते हैं। स्वीप शॉट किया था सीधा फील्डर के हाथों में गेंद, 14 पे कोई विकेट नहीं गिरी इंडिया की। फ्रंट फुट पे आए और ये 6 रन के लिए खेला है, बढ़िया शॉट, 75 मीटर का छक्का। दैट वाज ऑसम शॉट बाय गंभीर। गंभीर ने स्थिति जो है काफी गंभीर कर दी है पाकिस्तान के लिए। ये अच्छी बॉल थी, काफी अच्छा कह सकते हैं कि कमबैक किया बॉलर ने। गुड बॉलिंग मैन, आउट हो सकता था लेकिन फिर से बाहर निकल के खेले हैं। ऑन साइड पे फील्डर गेंद का पीछा करते हुए बाउंड्री के बिल्कुल करीब जाके फील्ड किया है, 2 रन बन चुके थे, तीसरे रन के लिए मुड़े हैं और तीसरा भी कंप्लीट कर लिया गया है। ओवर थ्रो पे एक्स्ट्रा रन्स और ये इस तीसरे ओवर में इंडिया का स्कोर 25, दौड़ते हुए 4 रन्स बना लिए थे। सो मोहम्मद इरफान आए हैं, लंबे कद के मालिक। काफ़ी अच्छी कीपिंग कामरान अकमल की जानिब से, 8.66 की गति है रन्स की। अच्छी डिलीवरी, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाज के लिए काफ़ी दिक्कत, सीधा ही बॉलर की जानिब खेले थे। ओहो स्वीट बॉलिंग, चमकाते हुए बॉल को थामा मजबूती से, अंपायर को क्रॉस किया है इस गेंद में, फ्रंट फुट पे आए और यहां पे फाइन लेग से 4 रन। तीन इशारिया तीन, 30 रन बन चुके हैं इंडिया के, अभी तक किसी विकेट का कोई खसारा नहीं है। बल्लेबाज टिके हुए हैं गंभीर और रेहाने।
अगली गेंद कराने के लिए तैयार इरफान। ओ स्विंग शॉट। तो मैं कुछ आपको बताने लगा था कि बॉलिंग करानी कैसे है। मैं एक वैसे वीडियो हम यहाँ पे डाल चुके हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पे, हाउ टू बॉल इन DBC। वो काफ़ी डिटेल में हमने बताया है। बत्तीस पे कोई विकेट नहीं गिरी, 4.1 ओवर इंडिया का स्कोर 32 इस गेंद पर। गली में खेला, ड्राइव करके फील्ड किया। बॉलर काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा बाउंड्रीज को सेव करना, क्योंकि ये डेड ओवर्स हैं। बॉल करा रहे खान, जुनैद खान की बॉलिंग, और ये यहाँ पे वाइड बॉल है। सैंतीस रन इंडिया का स्कोर। सामना कर रहे हैं रेहाने। अगली गेंद जुनैद खान की, लॉन्ग ऑफ पे खेले हैं, फील्डर दौड़ते हुए गेंद का पीछा कर रहे हैं, ड्राइव करने की जरूरत। चालीस रन मुकम्मल इंडिया के। ओहो अच्छा शॉट था, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी। और ये इस इनिंग्स की आखिरी गेंद, देखना है कि क्या कर पाते हैं बल्लेबाज। बॉलर ने ही कुछ कर दिया उनकी तरफ से। नाइन पॉइंट वन की एवरेज, काफ़ी अच्छी एवरेज है। ओवर पिच डिलीवरी, ओहो ड्रॉप कर दिया है कैच। 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को, गंभीर के 23, रिहाने के 15। पहली इनिंग्स का खात्मा, दूसरी इनिंग्स के लिए पाकिस्तानी बल्लेबाज तैयार। हफीज और शहजाद की जोड़ी, ऊंचा शॉट खेला है कवर ड्राइव की जानिब। फेसिंग अहमद शहजाद, कुमार की बॉलिंग, ऊंचा खेल दिया है बहुत ऊंचा, और ये 6 रन, दैट्स ऑसम शॉट। 28 गेंदों पर 42 दरकार हैं, अगर यूं अच्छी बैटिंग करते रहे तो जल्द ही समाप्ति हो जाएगी मैच की। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक कुमार की जानिब से। अहमद शहजाद सामना कर रहे, एक बार फिर से स्ट्रेट शॉट उसी तरह का, और ये उससे भी ज़्यादा ऊंचा शॉट है और रोप्स के बाहर जाके गिरी है। एक और शानदार छक्का, 26 गेंदों पे 36 रन दरकार हैं। बैक फुट पे आए हैं, एक रन मिला, 14 रन, 5 गेंदें हो चुकी, 25 गेंदों पे 35 रन दरकार हैं। फिर से खेले हैं एक्स्ट्रा कवर में, एक रन मिला है बल्लेबाज को। वैरायटी ऑफ द बॉल दिखने में आई है, फिर भी अच्छी धुलाई की अहमद शहजाद। वरुण रेमंड अरुण आए हैं बॉल कराने के लिए।
आप ये मैच लाइव ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप आ ही चुके हैं तो। हम यहाँ पे अच्छा अच्छा गेम प्ले और गेमिंग इश्यूज के निस्बत से वीडियोस बनाया करते हैं। ऊंचा शॉट, फील्डर के पास कोई चांस नहीं है। फाइन शॉट, हवा में थी ये गेंद, काफी देर तक हवा में रही है। 28 गेंदें 22 बॉल्स, 28 रन दरकार हैं 22 गेंदों पे। और ये कैच आउट होने का चांस है। पहली विकेट मिली है इंडिया को हफीज पवेलियन की राह लेते हुए। अजहर अली आए हैं बल्लेबाज। लेग ग्लांस किया था, एक रन मिला है 22 पे एक। पावर प्ले के ओवर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जा सकते हैं इनमें। ओहो नाइस शॉट, पुल किया था, बेहतरीन पुलिंग। फेवरेट शॉट है मेरा ये। ईशांत शर्मा 23 रन दरकार 3 ओवर में। शॉट पे डिलीवरी है, इसको खेलना काफी मुश्किल रहता है, लेकिन वो ट्रिक आपको बताता हूँ कि जो बैक फुट वाली आपकी की है उसको दबा लें तो आप इस गेंद को खेल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आएगी तो आपको हम खेल के दिखाएंगे। राइट जो की है ना राइट, इसको आप आरटी बोलते हैं, नीचे वाली ये वाली, उसको प्रेस करना होता है, ये वाली राइट देख सकते हैं। ये हमने उसी तरह से खेला है जैसे मैं आपको बता रहा था। साथ में जब आप शॉट खेलने जाते हैं तो ये वाला प्रेस करेंगे तो आप छक्के लगा सकते हैं। ये तो ये नीचे वाले दो बटन ज़रूरी हैं कि इस पे आप बैक फुट पे जाते हैं और इस पे आप स्लॉग शॉट मारते हैं। अच्छा जो फुटवर्क है वो ज़रूरी है शॉट के लिए। अगर आपका फुटवर्क अच्छा नहीं हुआ, टाइम पे नहीं आए तो फिर आप कैच आउट हो जाएंगे। अशोक डिंडा 12 गेंदें 17 रन। गैप में खेले हैं, दौड़ती हुई गेंद बाउंड्री पे पहुंची है। अच्छा डाइव किया है बेचारे ने, जब तक गेंद वापस आती है डाइव करके बल्लेबाज ने 3 रन मुकम्मल किए और 35 पाकिस्तान का स्कोर है। 3 रन की एक्सपी मिल चुकी है। अपील करते रहे और हमने 1 रन मुकम्मल किया है यहाँ पे लेग बाई का। ओ नो, रिव्यू ले लिया है, कदम तो अच्छे पड़े हैं, नो बॉल नहीं है यहाँ पे। लेट्स सी होता क्या है ये। नहीं नहीं नहीं, आउटसाइड द ऑफस्टम्प है और काफ़ी हाइट पे है। मेरे ख्याल से तो हम बच चुके हैं, लेकिन हाँ सही है, हरी झंडी दिखाई है आउटसाइड ऑफ स्टंप और मिसिंग है विकेट को।
सो ओरिजिनल डिसीजन भी ठीक है, नॉट आउट इज अ डिसीजन, फाइनल डिसीजन। शहजाद सामना कर रहे, फील्डर के सर के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑफ पे ये चौका, नौ रन दरकार हैं, नौ गेंदें बची हैं। शहजाद, हमारा शहजादा बल्लेबाज है, वाह ऑसम, पांच रन दरकार हैं, आठ गेंदें अभी, बॉलें ज्यादा हैं हमारे पास। बैक फुट पे कवर के साथ, चार रन दरकार हैं, सात गेंद ऊपर, इसी ओवर में समाप्ति हो सकती है अगर बाउंड्री लग गई तो। सिंगल, आप सबको आज की लाइव स्ट्रीम में खुश आमदीद, और जो आ चुके हैं उनका शुक्रिया जनाब, आपको ईद की बहुत सारी मुबारकबाद, आप दुनिया भर से कहीं से भी देख रहे हैं। ये रहा शॉट, 71 मीटर का छक्का है, और आज हमने इंडिया के साथ बराबरी कर दी है, एक मैच उन्होंने जीता था, एक हम जीत चुके हैं, सो इट्स इक्वल नाउ।